दिस इज इंडियाज ये मेरा परफॉर्मेंस है ये मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ वो लोग देखना चाह रहे हैं आई मेक माई परफॉर्मेंस द बेस्ट बहुत ही बड़ा और मॉन्स्ट्रस पराठा है ये अच्छा जी 5 साल की उम्र में उसने मेरे लिए खाना बनाना चालू कर दिया था अब मैं बनाऊंगी हमारी जो यूनिक स्पेशलिटी है वो पूरन पोली है पूरन पोली आई एम फ्रॉम मुंबई आई हैव डन माय बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी नेवर ट्राइड बिजनेस बट आई वॉज मैरिड टू अ बिजनेस मैन मेरे हस्बैंड ने भी सब कुछ ज़ीरो से शुरू किया हुआ है इनिशियली तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊँगी क्योंकि दो आई हैव अ मैनेजमेंट डिग्री पर मेरा आई हैव डिसकैलकुलिया द मोमेंट आई हैव नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी माय माइंड गोज ब्लैंक मैं अभी भी मैं कस्टमर्स का ट्रैक नहीं रख सकती किसने कितने पैसे दिए कितने आए क्या है मेरा इन एंड आउट क्या है आई हैव नो क्लू आई थिंक मेरे पापा कहते हैं कि किसी की हाथों को शांत करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो मेरे ख्याल से वो पुण्य में मेरे ऐड होते जाएगा सो आई डोंट माइंड मैं 9 बजे आ जाती हूँ यहाँ पर घर काफ़ी दूर है मेरा घर पे सारी तैयारी होती है हम सब घर के लोग ही मिलके तैयारी करते हैं हमारे पास कोई लेबर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का कोई यहाँ पर मेरे पास तरीका ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टॉल लगती है यहाँ भी लग रही है तो मैं कहाँ से बढ़ाऊँ कुछ भी जो भी अगर मुझे बढ़ाना भी है तो इट्स डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले किया है मेरे हस्बैंड मेरा मेन हर तरह से सपोर्ट रहे फाइनेंशियल मॉरल फिज़िकली सब कुछ ये अरेंज करना 2015 में मेरा हमारे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी बिजनेस एकदम ही लॉसेस में गया मेरे हस्बैंड का जिसके कारण सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था और 2017 में मैं कह सकती हूँ वी हिट रॉक बॉटम मतलब नो सेविंग्स नथिंग और पता नहीं था कि वेयर आर नेक्स्ट मील इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम उस सिचुएशन में मैं मेरे बच्चे छोटे थे मेरे बच्चे छोटे अभी भी बड़ा वाला 11 साल का है छोटा 8 का है तो मैं एकदम से बाहर नहीं निकल पा रही थी कुछ भी मेरे पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ भी थे फाइनली लास्ट ईयर 2018 ऐसा था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा अब देर इज़ नो चांस आई डोंट नो वॉट टू डू नाउ तो मुझे हथियार उठाने ही पड़ेंगे कह सकते हैं कि लाइफ पुश्ड मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन मतलब वो एक कंपल्शन नहीं होता तो मैं ये नहीं करती शादी के पहले काम किया है BPO में किया है UK US इंटरनेशनल प्रोसेस थे ट्रेनर थी मैं ट्रेन हाँ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर सो लास्ट ईयर एक साल पहले मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था इंदौर के टॉप BPO का एक साइड ये ऑप्शन था मुझे ये जो दुकानदार थे उनको जवाब देना था कि यहाँ पर आप लगा रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं मुझे ना किसी से पैसे लेने ना मेरे मम्मी पापा की साइड से ना मेरी इन-लॉज साइड से अगर मैं करूँगी तो मेरे हाथ से मेरे दम पे करूँगी नहीं तो नहीं तो वो जो मेरे अंदर जो इच्छा थी इस वजह से मैंने फिर एक छोटे से टेबल 3 फीट का टेबल था वो मैंने परचेज़ किया विद इन 3 or 4 thousand का कॉस्ट में आई स्टार्टेड दिस थिंग मैं बना रही हूँ शाही पराठा इसमें है आलू मैरिनेटेड सेव जो कि नमकीन होता है इंदौर का स्पेशलिटी है लॉन्ग सेव उसमें डलेगा अब पनीर बहुत ही बड़ा और मॉन्स्ट्रस पराठा है ये अच्छा जी एक इंसान के लिए ये डिनर है अरे क्या बात और इसमें पनीर डाला आपने चीज़ नहीं डाला है ना चीज़ ऊपर से डलेगा अच्छा चीज़ ऊपर से हाँ, हाँ ये जैसे इधर हो रहा है अभी आप देखेंगे इसको बनते हुए ये मॉन्स्टर पराठा है जी एक्चुअली मॉन्स्टर पराठा है शाही पराठा हाँ इंदौर में सब कुछ शाही होता है इफ़ इट्स नॉट शाही इट्स नॉट इंदौरी इसके साथ क्या क्या देते हैं आप अचार है सॉस है और ये होममेड चटनी है महाराष्ट्रियन चटनी है ग्रीन ये बहुत प्यार से मेरी मदर इन लॉ बनाती है मिर्ची है लहसुन है
और धनिया है, नमक है, सिंपल है बट इट्स एक्सट्रीमली टेस्टी। और इसको खाने के लिए स्पेशली लोग पराठे लेते हैं, ऐसा भी बोल सकती हूँ। हाँ, 3 months मेरी रोज सिर्फ एक पूरन पोली जाती थी, सिर्फ एक, और मैं हार मान चुकी थी पूरी तरह से। मैं रोती थी कि मैं बंद कर दूंगी ये, मुझे नहीं करना, मैं लॉसेस में जा रही हूँ, मेरे जो थोड़े बहुत भी बच्चे कुछ सेविंग्स है हस्बैंड के वो भी मैं स्पेंड कर रही हूँ और आ कुछ भी नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। और तभी मैं एक पोस्ट पढ़ती हूँ कि एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग, तो जस्ट रिलैक्स एंड कंटिन्यू योर एफर्ट्स। मैंने फिर सोचा कि एक मिनट शांति रखती हूँ, लोग क्या चाह रहे हैं देखो सुनो। तो मैंने देखा कि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये जो आप बना रहे हैं, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है पूरनपोली क्या है। लोग पूछ रहे हैं ये आलू का पराठा है क्या, ये पराठे हैं जो आप बेच रहे हैं, नहीं ये मीठा है, तो आप पराठे चालू कीजिए ना, पराठे चाहिए। तो लोगों की ये डिमांड थी कि पराठे, तो लोगों से मुझे आइडियाज़ मिले। पराठे मैंने लाइफ में कभी नहीं खाए ना बनाए, क्योंकि वी वर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि पराठे इज़ नॉट समथिंग हेल्दी, तो हम नहीं बनाते थे, कभी खाए भी नहीं ना बनाए। अब डिमांड है, पब्लिक चाह रही है, तो क्यों ना बनाऊँ मैं। वो है, वैसे भी मैं लॉस में जा रही हूँ, अगर कुछ चल रहा है तो वही सही। मैंने मेरी तरफ से सबसे बेस्ट जो भी हो सके वो मैंने पूरा अपना लगा दिया। बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट मंथ ऑफ पराठाज वॉज प्रॉफिट, मेरा पूरा खर्चा निकल गया, जो इन्वेस्टमेंट था वो भी निकल गया। बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट था, 20,000 समथिंग कुछ इन्वेस्टमेंट था, 15-16,000 का ये ठेला बना था, बाकी ये सब सामान आया था कुछ 2-3,000 का, दैट्स इट। तो मैंने बोला ये सर्वाइवल किट है मेरा, मैं इससे सर्वाइव करूँगी और एक दिन वो करूँगी जो मैं चाहती हूँ, जब तक मुझे ये करना है। अब मैं बनाऊंगी, हमारी जो यूनिक स्पेशलिटी है वो पूरन पोली है। पूरन पोली स्वीट है, उसका जो स्टफिंग है चने की दाल और शक्कर और मावा, इलायची, जायफल, ये सारी चीज़ों से बनता है, ये भी शाही है, और बहुत मेहनत लगती है पूरन बनाने में। वी हैव सोल्ड मोर देन 5,000 पूरन पोलीज इन आर फर्स्ट ईयर and more than 15,000 parathas in our first year. I think that is an achievement in itself. इसका layer बहुत पतला होता है, इसलिए इसको बेलना और सेकना बहुत difficult है। आप देख सकते हैं सिर्फ 4 feet की space है मेरे पास, तो बहुत difficult होता है manage करना। There is no sitting space also. But you're winning it. You're not just managing it, you're winning it. ये आप जो अंदर गया वो इसमें सारे वो मसाले जो आप, हाँ हाँ, हलवे जैसा होता है वो चने की दाल का, ये पूरन है जी, हलवे जैसा है ये, इसमें इलायची है, जायफल है, क्ले जैसा लग रहा है। हाँ ऑलमोस्ट 100 सर। अच्छा, एक्स्ट्रा आटा इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा? नहीं, ये इसकी यही स्पेशलिटी है कि आटा बहुत कम और स्टफिंग बहुत ज़्यादा। न्यूबॉर्न बेबी था मेरा, प्रेगनेंसी में ही मेरे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है। सबसे पहली बात, उस टाइम मेरा बच्चा बड़ा वाला 3 साल का था, वो मुझे सब कुछ करके देता था जो मैं नहीं कर पाती थी। 3-year-old के वो मेरा सबसे बड़ा सहारा था, मुझे आज भी मतलब वो टाइम सोच के बहुत रोना आ जाता है कि क्या समय निकला वो और कैसे वो दिन निकले। 3 साल का बच्चा क्या करेगा, पर वो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें करी है जो अनबिलीवेबल है। मैं चल नहीं पाती थी, वो मुझे उठाने की कोशिश करता था, उठा तो सकेगा नहीं पर उठाने की कोशिश करता था। डीप डाउन ही वॉज रियली अनहैप्पी बिकॉज he's keeping you up, to aap aise to acha nahi lagega na, in fact tell me about it proudly.
पाँच साल की उम्र में उसने मेरे लिए खाना बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार फैमिली भी ऐसे टाइम पे निराश हो जाती है कि जो इंसान खाना बना रहा है, घर में घर संभाल रहा है, वो बेड पे पड़ा हुआ है। मैं खाना बना नहीं पाती थी क्योंकि मैं दवाइयाँ लेके चालू तो कर दिया था सारा काम, बट वो लेवल नहीं आ पाता है। तो कई बार पेन्स इतने ज़्यादा होते थे कि मैं बस उठ ही नहीं पाती थी, मैं बस पड़ी रहती थी बेड पे, और खाना बना नहीं। मैं उसको भेजती थी कुछ भी लाने के लिए मार्केट से, वो लेके आ जाता था। पाँच साल का बच्चा, वो बोलता था मम्मा मेरे को बताओ कि इसको कैसे फोड़ते हैं, अंडे को कैसे फोड़ते हैं। तो वो फिर मैं उसको सब सिखाती वहीं पे ला के, फिर वो खुद वो स्टूल पे चढ़ के गैस उसको चालू करना सिखा दिया था मैंने, गैस हैंडलिंग सिखा दिया था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पहले से था। जैसे भी करता था वो, पर वो बना के मुझे ला के खिला देता था, और सबसे पहले मुझे खिलाएगा फिर खुद खाएगा। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि ये तो भगवान ने दिया हुआ बच्चा है मुझे, सच में। I have seen super moms, I've never seen a super son. Yeah. He's a super son, no doubt. सब कुछ कर सकता है वो। अगर स्विगी का ऑर्डर आ जाता है और मैं सोई हूँ मॉर्निंग में, और अगर उस दादी नहीं है तो वो खुद बना के पैक करके दे देगा वो। I've noticed that they are calling you auntie, but you don't, you're not that age. Actually, इंदौर का ये बहुत बड़ा इश्यू है, प्रॉब्लम है। द मोमेंट आई गॉट मैरिड एंड केम हियर 12 ईयर्स अगो, आई वॉज वेरी यंग, 23 ईयर्स ओल्ड। एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल यूज टू कॉल मी आंटी। सो यस, सो अब आदत पड़ गई है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को कितना करेक्ट करोगे आप, कितने लोगों को करेक्ट करोगे। आई हैव एन OCD एक्चुअली विद क्लेनलीनेस, एंड टू गेट एडजस्टेड टू दिस एनवायरमेंट इटसेल्फ वॉज अ बिग बिग चैलेंज फॉर मी। How did you adapt to it? I tried my best to clean my environment and just ignore what's happening around me. Still, it's the cleanest city, so it's much better than what it was a few years ago. Now we have just undergone a food safety training from FSSIA, and whatever they have said, I'm trying to fulfill 99%. I can't say 100% because it's street food finally, so some things are unavoidable. I can't. How do you disinfect the area? Do you do something about that? They are going to do it for us. We have paid them an amount. The FSSIA people, and they are doing a very good job. They will be on an audit now again, and they will see if the training has been successful and everybody is following the rules or not. We have to wear the cap and the apron, gloves. If not gloves, then at least you should have a hand sanitizer. Whenever you go out and come back again, you can sanitize your hands. This is not food business. मतलब लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे लोग मज़े करने आ रहे हैं। तो मज़े कैसे करेंगे? सिर्फ आप एक कुछ बना के खिला देंगे, उस पर कोई मज़ा नहीं है, कोई भी कर सकता है वो। फर्स्ट डे कैसे लेके आए थे इस स्टॉल पे? पहले टेबल वाले स्टॉल पे लेके कैसे आए थे आप? हाथ में, कैन यू इमेजिन, हम लोग कार वहाँ पे पार्क करते थे एंड ऑफ द गली, और ये जो क्रेट्स है हम हाथ में उठा उठा के लाते थे। मेरे हस्बैंड टंकी लेके आते थे, मेरा भांजा भी था साथ में, कभी कभार वो आता था, तो वो तवा, इतना 25 किलो का तवा है ये, वो उठा के लाता था। लॉन्ग फ्राई, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग फ्राई टेस्ट टेस्ट। एकदम आलू जैसा है, आलू का ही है, पूरा आलू का क्रिस्प है अंदर तक, मतलब ये वो वाला नहीं है कि बाहर क्रिस्प है और अंदर सॉफ्ट है, ये अंदर तक क्रिस्पी है। अगर आप घर पे बैठे हो और आप मतलब कोई मूवी देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, यू कैन एंजॉय इट। सॉस में डिप करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ेदार है। दिखने में पता कैसा लग रहा है? TMD सरिया। नहीं नहीं, दिखने में लग रहा है जैसे वो सांप नहीं आते थे गोलियाँ, उनको आग लगाओ तो वो बाहर निकल आते थे।
पर टेस्ट बहुत अच्छा है यार, ताइवान का स्पेशल चीज़ है। और पेरी पेरी सॉस ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके साथ। ये है जी आईची पूरन पोली और पराठा हाउस का शाही पराठा, एंड इसके अंदर बहुत कुछ है। ये अभी मिनी पराठा है, वो जो है बड़ा वाला पराठा आप दो लोग आराम से पेट भर के खा सकते हो, वो 100 रुपीज़ का है। ये हमने थोड़ा छोटा वाला बनवाया है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉल दैट आई हैव एवर विजिटेड। अभी ऑलमोस्ट 180 वीडियोज़ हो चुकी हैं, 180 स्टॉल्स के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉल वेयर आई सी हैंड सैनिटाइजर, विच इज़ लाइक सच अ गुड स्टार्ट। एंड ये है जी अपना शाही पराठा, पहले शाही पराठे से मिल लो। इसके अंदर बहुत कुछ है, इंदौरी सेव है और आलू है और पनीर है और ऊपर से चीज़ है एंड और मक्खन भी है और अचार है और महाराष्ट्रियन स्टाइल हरी चटनी है। दिस लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, मतलब 100 रुपीज़ में इतना सब कुछ। और द पैशन दैट शी इज़ मेकिंग दिस स्टफ़ विथ, वो प्राइसलेस है यार। ये 100 रुपीज़ पराठे के हैं, बट वो जो अप्रिसिएशन हमें देनी चाहिए वो प्राइसलेस है। तो जैसे हमने अमित भाई को सपोर्ट किया था, लेट्स विश श्वेता जी ऑल द बेस्ट एज वेल। तो श्वेता जी को भी हम ऑल द बेस्ट लिखते हैं। ये छोटा सा राफा है और यहाँ पे 65 नंबर की दुकान के एकदम सामने आईची पूरन पोली और पराठा हाउस। यहाँ पे आओ, सपोर्ट करो, अपनी ब्लेसिंग्स दो, पराठा खाओ, एंजॉय करो जैसे मैं खा रहा हूँ। अभी पहले वो बना दो। बहुत बढ़िया, जो सेव का जो फ्लेवर है ना वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा सही रहेगा। बहुत मज़ेदार, बहुत स्वाद। एंड जो महाराष्ट्रियन स्टाइल चटनी है इसमें शायद मिर्ची और लहसुन थोड़ा ज़्यादा रहता है रात के टाइम पे ना, आफ्टर यू डन विद योर मूवी, या आप पार्टी से आ रहे हो या आप कहीं किसी शादी से आ रहे हो। शादी में तो चलो पेट भरा रहेगा, पर यहाँ पे हमने लोग देखे शादी से आके यहाँ पे खा रहे हैं। तो अगर आपका मिडनाइट वाला सीन है, कहीं पे आप नाइट आउट पे निकले हो, तो आई थिंक दिस इज़ द आइडियल पराठा फॉर दैट। ये पूरन पोली है, पूरन कोली नहीं है फिर अपना, ये पूरन पोली है। और इसका बेसिकली अंदर जो पूरन अंदर रहता है ना, पूरन अंदर रहता है और पोली बाहर। पूरन मतलब स्टफिंग जी, मतलब रोटी। अच्छा, पूरन अंदर, आटा एकदम कम है, पूरन भाई साहब ज़्यादा है, कोली भाई साहब कम है, हैं? तो इसका भी टेस्ट टेस्ट थोड़ा करते हैं। महाराष्ट्रियन चटनी है जी और साथ में पूरन पोली। एंड अगर आप ये ध्यान से देखो ना एकदम, तो आटे का तो एकदम लिटरली एक शायद हाफ मिलीमीटर का लेयर है, उसके भी कम। और मुझे ये पता है किस चीज़ की याद कराता है, मुझे याद कराता है ये शक्कर वाली रोटी की, अब पंजाब वाली शक्कर, गुड़ वाली रोटी, और घी से भाई साहब दबा दबा के घी डाला हुआ है। ये घी, दिस इज शाइनियर देन माई फ्यूचर यार, इतना ज़्यादा घी आया हुआ है। कैसा लगा पाजी शाही पराठा? एकदम शाही। वाह पाजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। पर पूरन पोली ज़्यादा अच्छी है यार, मुझे पर्सनली, नो ऑफेंस, बट मुझे पूरन पोली बहुत सही लगी।